परंपरा और रीति रिवाज किसी भी रूप में आपके सामने हों, वह आपके मन को हर्षाते हैं और आपके जीवन को तत्वों से जोड़ कर रखते हैं। मिथिला में शादी विवाह के अवसर पर या किसी भी पारिवारिक अनुष्ठान पर जब दूर दूर से सभी नाते रिश्तेदार जुटते हैं, तब एक सहज खुशी का माहौल बनता है और इस माहौल में गीत गाने और एक दूसरे को छेड़ने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। यही रिवायत गीतों में ढली और बाद में उसे गाली गीत कहा जाने लगा। आमतौर पर ये गाली गीत शादी विवाह के समय ही गाए जाते हैं। उस समय समधी दूल्हे के बड़े भाई यानी जेठ के साथ साथ सभी रिश्तेदारों और बारातियों को गाली गीत से नवाजा जाता है। यहाँ तक कि शादी की रस्मों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पंडित और नाई को भी नहीं बख्शा जाता। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दा बाबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दा। शादी में गारी गीत खूब गाए जाते हैं। यहाँ तक कि वधु पक्ष की महिलाएं दूल्हे के भाई बहन बड़े भाई भाभी के साथ दूल्हे के माता पिता को लेकर खूब गालियां गाती हैं। कहा जाता है कि इन गालियों से भगवान राम भी अछूते नहीं रह पाए थे और उन्होंने भी अपनी ससुराल मिथिला में खूब गालियां सुनी थी। खासकर समधी के लिए गाई जाने वाली गालियां बहुत मनोरंजक होती हैं। मिथिला में इस गाली गीत को ढाकन कहते हैं। मिथिला में ढाकन की शुरुआत राम सीता के विवाह से मानी जा सकती है, क्योंकि मिथिला के लिए सबसे बड़े दुल्हन सीता है और सबसे बड़े दूल्हा राम। जनकपुरी में जो प्रभु रहना ना चाहे, जो प्रभु रहना ना चाहे। कहा जाता है कि राम जब शादी करने के लिए मिथिला आए तो मिथिला की स्त्रियां उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए गाती हैं, सुनो सखी एक अनुपम घटना, अजगुत लागत भारी है, खीर खाए बालक जन मावल, अवधपुर के नारी है। ढाकन गाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। सबसे पहले तो यह आप पारिवारिक उत्सवों को सरलता और तरलता देती है। घर के जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, वे सब किसी न किसी के ननद देवर भाभी साली सलहज और जीजा आदि होते हैं। मिथिला में इन सब के साथ छेड़छाड़ करने का रिवाज है। शादी ब्याह के मौके पर आज भी महिलाओं की गाली मीठी लगती है। जी भरकर सुनाई गई गाली हंसते हंसते बाराती झेलते भी हैं और उन्हें बख्शिश भी देते हैं। यहाँ तक कि शादी की रस्मों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पंडित और नाई को भी नहीं बख्शा जाता। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देता काहे गारी, जैसे लोक गीतों के बोल शादी के घरों में बजना आम है। बता